दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे प्रत्येक दिन स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल होता रहता है। यदि आप ग्रीन स्क्रीन में भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहां पे बताऊंगा आपको किसी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप किसी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल, मैंने एक वीडियो को यहाँ पे लाइक करके रख रखा है और सबसे पहले उस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल वीडियो पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैं ओरिजिनल साउंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो काफ़ी बेहतरीन है और टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आप किस तरह से ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना सकते हैं और टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं और आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो आपको करना क्या, सिंपल व्हाट्सअप पे क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको सेव डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। तो ये वीडियो मेरा गैलरी में सेव हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। तो इसके बाद इसे बैक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड किए थे वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको कुछ इस तरह से प्ले कर देख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा खुद का वीडियो है और यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन देना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, फिर से कलर पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है आपको और वीडियो को इसे फुल साइज कर देना है। सिंपल वीडियो को आगे तरफ लेकर आ रहा हूँ, अब देख सकते हैं फिर से हमारा वीडियो अब जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहीं तक हमें ग्रीन स्क्रीन रखना है तो सिंपल आपको कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे, वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ से फिर से हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट करना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट यहाँ रिमूव हो चुका है। वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और देख सकते हैं हमारा यहीं तक का पार्ट सिर्फ ग्रीन स्क्रीन चाहिए। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे, वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो में दो पार्ट में ग्रीन स्क्रीन सेट करना है। सिंपल एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट या लेफ्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो को क्लिक करेंगे और इसे हमें फुल साइज कर देना है, ठीक है। सिंपल इस वीडियो को फिर से क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल साइज कर देना है। सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को एक बार म्यूट कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको इस टाइप के वीडियो बनाकर यदि टिकटॉक पे आप अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आजकल टिकटॉक पे ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो रहा है और लाइक्स एंड व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह से वीडियो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसा कि आपने इस वीडियो में देख भी लिया किस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने जो ओरिजिनल साउंड को म्यूट किया था इसे हमें फिर से ओपन कर देता हूँ। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।